हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे TCS PPS के रोल के बारे में। आपको क्या प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, आपको क्या काम करने पड़ते हैं, सैलरी कितनी होती है, कब इंक्रीज होती है। ये जो TCS का BPS का रोल होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये BPO या कॉल सेंटर का जॉब होता है। ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे एंड बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपको TCS BPS ज्वाइन करने के पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो बहुत सारे लोग होते हैं, जैसा मैंने बताया, जो कॉल सेंटर की जॉब होती है उसमें और TCS के BPS के रोल में बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। लेकिन ये TCS की जो BPS की रोल है एंड जो BPO की रोल है वो बहुत ही डिफरेंट होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये जॉब नहीं करनी चाहिए TCS BPS की, या अच्छी नहीं होती है, सैलरी कम होती है। बट अगर आप एक फ्रेशर हैं एंड आपने अभी ग्रेजुएशन किया है एंड आपको जॉब की ज़रूरत है एंड आपको अपनी करियर स्टार्ट करनी है, तो आप डेफिनेटली TCS की जो BPS की रोल है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इसके लिए अप्लाई किया था अपने ग्रेजुएशन के जस्ट बाद, और मैं अपना एक्सपीरियंस TCS का BPS का कैसा था मैं नेक्स्ट वीडियो में अगर बनाऊंगी तो आपको बताऊंगी। सो मैं सबसे पहले आपको यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप TCS BPS ज्वाइन करने का सोच रहे हैं तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, आपको बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो ये आपके करियर की पहली जॉब होती है, कोई भी लोग अगर ग्रेजुएट होता है तो स्पेशली क्या करता है, उनको जॉब नहीं मिलती अगर। लेकिन आपको TCS BPS का जॉब मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत ही अच्छे से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो TCS BPS की जॉब करने के बाद IT सेक्टर में गए हैं एंड 5 साल में उनकी सैलरी 20 लाख से 25 लाख हुई है। सो आपको डेफिनेटली ये TCS की BPS की जो रोल है उसको ज्वाइन करनी चाहिए अगर आप अभी जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं एंड आपको जॉब की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में हम लोग, जैसा मैंने बताया, बात करेंगे कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है TCS BPS ज्वाइन करने के पहले, एंड उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। सो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो TCS का BPS का रोल होता है वो क्या होता है। तो कोई भी कंपनी अगर दूसरे कंपनी को, सपोज आपकी कंपनी TCS है, तो अगर कोई भी कंपनी TCS को कॉन्ट्रैक्ट पे कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए देती है, बोलती है कि हमें ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है एंड TCS बोलता है हमारे पास मैन पावर है, हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, कोई भी फील्ड में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो फिनांस हो, चाहे वो HR हो, कोई भी फील्ड में काम, तो अगर TCS उसको लेती है तो उसको बोलते हैं BPS। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो BPS के रोल पे जाता है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड और भी बहुत सारे काम होते हैं। डिपेंड करता है कि आपका जो बैकग्राउंड है, जैसे आपने साइंस लिया था या कॉमर्स लिया था या आर्ट्स लिया था, तो क्या है। ठीक है, सो इन सिंपल वर्ड्स कि किसी दूसरे कंपनी का प्रोजेक्ट है एंड जो TCS है वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है एंड उनका जो काम है वो अपने मैन पावर से करवा के उनको वापस दे रहा है। सो जैसा मैंने बताया कि काम डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने साइंस लिया है, कॉमर्स लिया है या आर्ट्स लिया है, उस पर। तो एक होता है कि आपको फाइनेंस में मिल जाएगा कि आप उसमें क्या करोगे कि कोई दूसरी कंपनी का उसका पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, तो आपको इसमें क्या करना होगा कि कोई कोई उनके TCS के ऐप्स होते हैं, जैसे ब्लूमबर्ग और भी ऐप होते हैं, उसमें आपको क्या करना है कि जो भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं आपको काम दे दिया जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप उनके बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट बनाओगे। मैनुअली नहीं होता सब कुछ, कोई सिस्टम पे होता है, जैसे मैंने बताया एक ऐप होता है ब्लूमबर्ग, तो उसमें सब कुछ बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया होता है, आपको कुछ भी टाइप नहीं करना पड़ता है। आपको जो भी अमाउंट रहता है वो जो भी उनके रेस्पेक्टिव कॉलम में होता है वो डालना होता है, एक ये होता है। दूसरा होता है कि एक टिकट राइज करने का होता है, सपोज कि कोई भी ऐप है वो ऐसे चलना था बट वो ऐसे चल नहीं पा रहा है एंड आपको क्या है कि वो ऐप वैसे चलाने में आपको पता है कि कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा एंड आपको क्या है जो बैक एंड टीम के पास वो पहुंचानी है कि ये वाला ऐप जो ऐसे चलना था ऐसे चल नहीं रहा है। तो आप उसमें क्या करोगे, टिकट ट्रेस करोगे कि जो ये ऐप है वो ऐसे चलनी थी, ऐसे चल नहीं रही है
एंड जो भी कम्युनिकेशन होगा आप बैकएंड टीम के साथ करोगे एंड जो भी रिजल्ट होगा वो आप एज अ सपोर्ट दोगे। सो इन शॉर्ट कि जो भी चीज जिस फ्लो में चल रही थी वैसे नहीं चल रही है एंड वो प्रॉब्लम आपके पास आएगा कि ये ऐसे चलना था वो ऐसे नहीं चल रहा है, तो वो होगा आप उसके लिए एक टिकट ट्रेस करोगे बैकएंड टीम के पास। आपको उसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना, आपको बस इन्फॉर्म करना है जो लोग उस पर काम करते हैं कि ये ऐसे चलनी थी पर ऐसे चल नहीं रही है एंड आप एज अ सपोर्ट वहां पे काम करोगे। सो बेसिकली इसमें आपको पता होगा कि ये टिकट है, आपको इसको हैंडल करना कैसे है, आपको वो पर्टिकुलर रिसोर्स के पास कैसे पहुंचाना है जो इस टिकट को सॉल्व कर सकता है। तो बेसिकली आपका जो काम है इसी के अराउंड रिवॉल्व होता है कि आपको चेक करना है कि किस में प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा टिकट ट्रेस करना है एंड जो भी लोग इसको करते हैं उनके पास तक कैसे पहुँचाना है। सो जैसा मैंने बताया कि ये सारी जॉब है वो प्रोजेक्ट डिपेंडेंट वर्क है, आप किस प्रोजेक्ट पे असाइन हुए हो उस अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलेगा। अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड किसी प्रोजेक्ट पे असाइन हुए तो जैसा मैंने बताया आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना हुआ किसी भी कंपनी का, अगर आप टिकट या कोई भी टेक्निकल वाले प्रोजेक्ट में साइन हुए हो तो आपको वो जैसे मैंने बताया अभी सपोर्ट का काम करना होगा कि आपको क्लाइंट्स के साथ या कस्टमर्स के साथ डील करनी होगी एंड जो भी टिकट रेज करना होगा और उसके जो रिसोर्स हैं जो उनको सॉल्व करते हैं जैसे कि बैक एंड टीम फ्रंट एंड टीम आपको उस पर उनके पास पहुँचाना होगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट असाइन हुआ है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे काम होती है इसमें, सपोज कि आपका कोई काम है वो एक्सेल पे करना है तो आप एक्सेल पे प्रिपेयर करके दे रहे हो, बता रहे हो कि इसको ऐसे करना है, या फिर कोई ऐसा काम है जिसको वर्ड पे करना है, वर्ड पे लिख के आपको देना है, तो ये सारे बहुत सारे वर्क होते हैं जो इसके TCS BPS के रोल के अंदर आपको करने होते हैं। सो इसमें जो वर्क आवर होता है वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि जो इसमें आपको काम करने होते हैं वो 9 घंटे काम करने होते हैं एंड इसमें जो क्या होता है कि रोटेशनल शिफ्ट्स होती है, कभी आपका नाइट का शिफ्ट होगा, कभी आपका मॉर्निंग का होगा, कभी आपका दोपहर का होगा। सो ये प्रॉब्लम आ सकती है बहुत सारे लोगों को, उनको यहाँ पे ऐसा नहीं है, उनको नाइट की भी शिफ्ट करनी पड़ सकती है एंड बहुत ही ज्यादा मॉर्निंग की भी शिफ्ट करनी पड़ सकती है, तो ये एक इशू आ सकता है। दूसरी इशू है कि यहाँ पे जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है बहुत ही कम होता है, आपको इन हैंड 12,000 to 15,000 सैलरी मिल जाएगी, वो भी डिपेंडिंग अपॉन दी कौन सी सिटी में हो आप। अगर आप टीयर 1 सिटी में हो तो 15,000 जाएगी आपकी सैलरी एंड अगर आप छोटे छोटे सिटी में हो तो आपकी सैलरी 12,000 तक हो सकती है। तो सैलरी भी एक बहुत बड़ा इशू हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन अगेन जैसा मैंने बोला अगर आप फ्रेशर हैं, आपको जॉब चाहिए एंड आपको अपना करियर की स्टार्ट करनी है तो ये TCS की जो BPS रोल है बहुत ही अच्छी है, आपको तो इन हैंड सैलरी भी बहुत कुछ मिल जाएगी एंड आपकी जो स्किल्स होगी, आपकी जो थोड़ी बहुत आपको इसमें स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। सो ये बेसिकली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपको कैसा इन्वायरमेंट चाहिए, कैसा सैलरी स्ट्रक्चर चाहिए एंड कैसा आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। इसमें कभी कभी आपका जो वर्क होगा बहुत ही प्रेशर वाला होगा या फिर जो आपका वर्क लाइफ बैलेंस है वो कभी कभी इन लोगों का वर्क बहुत ज़्यादा जाता है तो आपका वो मेंटेन नहीं कर पाओगे। सो ये भी चीज़ें आपको ज्वाइनिंग करने के पहले बहुत ही अच्छे से समझनी है कि अगर आप प्रेशर हैंडल कर सकते हो, अगर आप टाइम पे सब कुछ कर सके सबमिट कर सकते हो एंड जो भी आपका वर्क लाइफ बैलेंस है जैसे मैंने बताया कभी कभी आप मेंटेन नहीं कर सकते, आपको लगता है कि अगर आप ये सब कर सकते हो तो तभी आपको TCS BPS ज्वाइन करनी चाहिए। बट अगेन अगर आप किसी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं एंड अगर आप TCS BPS ज्वाइन करते हैं तो आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे मैंने बताया इसमें बहुत ज़्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके बेसिक स्किल्स इसमें बहुत ज़्यादा इन्हांस होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आपकी लर्निंग होती है एंड बहुत सारे लोग हैं जो TCS से बहुत सारी IT कंपनी में स्विच हुए हैं एंड उनकी सैलरी जैसे मैंने बताया 20 लाख 5 सालों में हो गई है। सो अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, आप इतनी सैलरी आपको ऐसा ठीक ठाक लग रही है एंड आप रोटेशनल शिफ्ट कर सकते हैं तो आपको इसे ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा एंड आप बहुत अच्छी कंपनी में भी स्विच कर सकते हो। बात करें इसमें सैलरी और प्रमोशन की, जो सैलरी बढ़ता है या कैसे प्रमोशन मिलता है, तो इसमें सैलरी
जो आईटी कंपनीज होती हैं उनके तुलना में बहुत ही कम होती है। एंड जो प्रमोशन होता है उसके लिए भी क्या होता है कि आपको बहुत साल पहले काम करनी होती है, उसके बाद आपको बहुत सारे एग्जाम्स देने होते हैं प्रमोशन के लिए। तो ये इसमें थोड़ा बहुत टफ होता है कि सैलरी धीरे धीरे बहुत ही कम कम बढ़ती है, एंड प्रमोशन के लिए तो आपको बहुत साल यहाँ पे काम करने होंगे, फिर जाके एग्जाम देना होगा एंड देन जाके आपका प्रमोशन हो सकता है। सो इसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस से प्रमोशन नहीं होगा या सैलरी इंक्रीज नहीं होगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है कि आप कैसे काम कर रहे हो, और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, जैसे आपने अच्छे से काम किया है या नहीं किया है, कितने अच्छे से काम किया है, इस काम सबमिट कैसे किया है, ये सारी चीज़ें भी उसमें देखी जाती हैं। ये जितना कुछ मुझे पता था मैंने बता दिया है। अगर आप मेरे से पूछोगे कि आपको TCS BPS की पोस्ट ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं, तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप TCS BPS ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद आप कोई भी बड़ी कंपनी IT कंपनी में स्विच कर सकते हो, क्योंकि कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ कर लो। क्योंकि अगर आप बैठे भी रहोगे, जॉब नहीं करोगे, TCS BPS की जॉब नहीं करोगे, तो आपको कुछ मिलने वाला भी नहीं है, ना आपको एक्सपीरियंस मिलेगा ना आपको पैसे मिलेंगे। पर अगर आप करते हो तो आपको बैठे बैठे 10,000 या 15,000 मिल जाएगा, एंड आपकी वर्क एक्सपीरियंस भी जो है वो बढ़ती जाएगी। जैसा मैंने बताया, अगर आप प्रेशर हैंडल कर सकते हो, इतनी कम सैलरी में ठीक ठाक हो जाता है, एंड अगर आप नाइट शिफ्ट में भी कर सकते हो, तो आपको ये पोस्ट के लिए डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि एज ए ग्रेजुएट, आप तुरंत ग्रेजुएट हुए हो, एंड अगर आपकी TCS में जॉब लग रही है, तो आपको ये डेफिनेटली लेना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा होगा, एंड इफ यस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।